उस प्रोजेक्ट जब मैं आया था तो वो एक माँ और बेटी की कहानी है, और ये कहानी एक प्यार के बारे में है। और ये कहानी ऐसी है कि प्यार में आप एक दूसरे के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप किस हद तक जा सकते हैं। आपको जब बचपन का प्यार याद है, जब मैं इसको इनैक्ट करता हूँ ना, तो मैं अपने बचपन के प्यार को याद आता हूँ। इस पर ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे कोविड चल रहा था ना, और कोविड बस खुलने वाला था, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी। पर मुझे लगता है अभी कश्मीर खुल गया है, सारे लोग अभी स्कूल भी जा रहे हैं, सब कुछ खुल गया, तो ट्रैफिक ज़्यादा है, पर खूबसूरती तो उतनी ही बरकरार है। और हम लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं गुलमर्ग, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा रहा हूँ, पर मुझे स्नोबोर्डिंग का बहुत शौक है, मुझे मैं जाऊँगा। तो अरे मैं तो बिज़नेस कर रहा था, मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके मैं बिज़नेस कर रहा था मम्मी के साथ। जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो मैंने मम्मी को कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो मम्मा ने कहा कि क्या करना चाहते हो, तो मैं सोचा था कि मैं एक्टिंग कर लूँ, मुझे पता नहीं था एक्टिंग क्या होता है। और फिर मैंने दो हफ्ते बाद मैंने छोड़ दिया आइडिया, मैं बोला मैं पागल हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। मम्मा ने मुझे कान से पकड़ के गाड़ी में बैठाया, हम शारजा में रहते थे, तो शारजा से अबू धाबी 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे लेकर गए न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, और वहाँ पे फिर उन्होंने खुद साइन करके बोला अभी तो इधर ही रहे, मैं जाके सामान लेकर आती हूँ। शी केम द नेक्स्ट डे, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय एक्टिंग करियर। एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है, दो तीन फिल्में हैं, मैं ज़्यादा भी बता नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ही जल्द उनका प्रमोशन शुरू होने वाला है। पर लास्ट ईयर और ये साल मैंने काफ़ी काम किया है जो मैंने पिछले 10 सालों में नहीं किया, तो आई एम वेरी ग्लैड कि टाइम्स आर चेंजिंग। अभी उस मुकाम पर नहीं पहुँचा हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं एक फैमिली को संभाल सकूँ, अभी तो आई थिंक वेरी फोकस्ड ऑन जस्ट मेकिंग समथिंग ऑफ माय सेल्फ। ओह ही मेंट दैट, दैट्स व्हाट ही मेंट, या ओह या Yeah, that's a big project. मुझे लगा कुछ प्रोजेक्ट है। सॉरी। ये तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हम दोस्त बने, तो ये गाना तो एक क्या बोलते हैं, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। और हेली तो शी इज वेरी प्रोफेशनल, शी इज वेरी आई थिंक शी इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि जिसके साथ भी मैं काम करूँ ओवर द इयर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर शुड बी अ सेंस ऑफ ह्यूमर and a communication with each other. But you have a very good sense of humor. But that's because you get it. Otherwise, yeah, yeah, I think that's also important. It's important. Pata chala joke. Yeah, you know, like yeah, agar main isko inko hasa nahi pa raha hu, yeah, and or she is making something and I'm not able to understand, to phir wo chemistry aayegi nahi. You know, then you're not free to like explore. Abhi hum baithe the yahan pe, kuch shoot kar rahe the. We just discussed an idea ki, okay, what do you want to do? What do you want to do? Waisa hona chahiye. और अगर इफ यू आर नॉट थिंकिंग एक्टर्स देन यू आर नॉट एन एक्टर, राइट? सो आई थिंक लाइक आई सेड, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, शी हैज आल्सो बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल, शी वाज अ चाइल्ड स्टार एंड शी इज ग्रोइंग, एंड लाइक आई सेड, आई वुड लव टू डू अ फिल्म विद हर, एंड आई एम श्योर दैट शी विल ब्रेक इनटू फिल्म्स एंड ओटीटीज वेरी सून। ओह माय गॉड, थैंक यू। एंड या नो, इंशाल्लाह मैन, इंशाल्लाह। तो आई होप कि अगले साल, इसी साल हम लोग, अभी लोग ने देख लिया हमारी केमिस्ट्री कैसी होगी, और अगर हम वी कैन डू अ फिल्म टुगेदर, आई वुड लव इट। मेरा सपना था कि मैं कश्मीर आऊं और एक्सप्लोर करूं पूरे कश्मीर को। ऑब्वियसली ये तो मैं 3-4 दिन के लिए आई हूं, तो अभी भी मैं नहीं मानूंगी कि जिस तरीके से मैं पूरी जगह को एक्सप्लोर करना चाहती हूं वो कर पाई हूं या कर सकती हूं इस ट्रिप में। बट आई एम सो हैप्पी कि मैं जिस चीज़ को इतने सालों से प्लान कर रही थी कि यू नो कभी जाऊँगी, जाना है, चलो चलते हैं, बट कुछ नहीं हो रहा है, बट इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट वी शूटिंग दिस इन कश्मीर, आई वॉज सो हैप्पी कि है ना, आप चाहते हो कहीं पर जाना, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने दिल से शायद चाहा था, तो इसीलिए यहाँ पर शूट करने का मौका मिला। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे इट वॉज गॉड्स प्लान फॉर मी कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ, मैं एक्टर बनूँ, मैं कुछ करूँ।
तो मेरा प्लान नहीं था उस टाइम पे, मेरे कोई ऐसे शौक नहीं थे कि मुझे ऐसे कैमरे के सामने आना है एंड यू नो आई वांट टू परफॉर्म इन एन एक्ट सीन्स. बट इट लेटर यू नो थोड़ा सा ग्रेजुअली जैसे जैसे मुझे समझ आई, मैंने डिस्कवर किया कि ये मेरा पैशन है. I mean, this is what I started enjoying. So, एक बहुत gradual process रहा है कि नहीं करना था तो पर किया. So, your parents got you in? No, yeah, it just happened. I don't know. मतलब, you know, I was. हम लोग इतने lucky नहीं हैं. That's just happened. See, I'm not even kidding. मैं अहमदाबाद में थी, so I used to do a little bit of, you know, theater and stuff like that. But जिनके साथ मैं करती थी, my papa's friend, he got me here. He was like, चलो एक audition देते हैं. So I just randomly मैंने एक audition दिया था और उसमें मैं select हो गई. और last तक मुझे ऐसा था कि मेरे को ये नहीं करना है. मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों है इतने सारे लोग मेरे आसपास. दीज वर माई फीलिंग्स एंड आई वाज लाइक जल्दी से ये शो बंद हो जाए, मैं घर चली जाऊँ. दीज वर लाइक माई एक्चुअल थॉट्स व्हाइल आई वाज डूइंग दैट शो. पर जब मैं घर चली गई एंड यू नो मैं जब पढ़ाई करती थी, बिकॉज आई वाज इन माई टेंथ दैट टाइम, आई हैड माई बोर्ड्स, तो मैं ऑब्वियसली मुझे जाना था घर वापस. पर जब मैं चली गई उसके बाद यू नो थोड़ा ग्रेजुअल, जैसे मैंने कहा बहुत ग्रेजुअली हुआ कि मुझे शायद थोड़ी सी लाइकिंग हुई, कि शायद मुझे एंड में पसंद आने लगा था सब कुछ, क्योंकि मुझे लोगों की डांट थोड़ी कम मिलने लगी थी. और हाँ, सो फिर मैंने सोचा कि एक और ट्राई करते हैं, इफ़ इट वर्क्स ग्रेट, इफ़ इट डजंट आई ऑलरेडी हैड प्लान्स फॉर डॉक्टर, लाइक आई वांटेड टू डू एमबीबीएस. ओह देयर वी गो, देयर वी गो. सो या, क्योंकि अभी सब कुछ बहुत डेवलप्ड है, पर उस टाइम पे मतलब व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तब लाइक इट वाज वेरी यू नो डेवलपिंग एंड थोड़ा सा स्मॉल टाउन सिटी फील ही था अहमदाबाद में. तो ऐसा कभी था नहीं कि हाँ मैं ये टेलीविजन शो देख रही हूँ, अरे क्योंकि सास भी कभी गुजराती फैमिली तो चलिए हम भी जाकर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था. सो आई थिंक यू वाज टू यंग आल्सो, आई वाज टू यंग टू इवन थिंक दैट कि यू नो अभी यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई जाऊँ. ओह माय गॉड, मुझे बहू बनना है. नहीं, ये सपना है मेरा, नहीं. हाँ जी, आगे बहुत सारी चीजें करनी है. You must do a revenge drama. No. Wanna be a cop? नहीं, अभी क्या पाइपलाइन में क्या है या मैं क्या करने वाली हूँ, किन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात चल रही है, आई कांट टॉक मच अबाउट इट. बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ करूँ बहुत अलग हो, और मैं एज एन एक्टर कुछ डिफरेंट कर सकूँ. और यू नो तो बस हमेशा कोशिश यही रहेगी कि वो आगे भी बरकरार रहे. ज़्यादातर अगर मैं कुछ नहीं कर रही और सिर्फ घर पे हूँ, तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम आप मुझे हमेशा मेरे कमरे में पाएंगे और मैं कोई अच्छी सी सीरीज या ऐसे कुछ देख रही होती हूँ. अदरवाइज आई लाइक डांसिंग, बट दैट्स नॉट समथिंग कि मैं अब हर रोज में क्लासेस में जाके डांस कर रही हूँ. बट हाँ, दैट्स समथिंग आई रियली एंजॉय. क्यों हमको हमें लिरिक्स पता ही नहीं. का सिलसिला तू रूह की है दास्ता, तेरी ज़ुल्फों की ये नमी, तेरी आँखों का ये नशा, तुझे खो भी जाऊँ तो मैं क्या कसूर है मेरा. पूरे गाने की ऐसी तैसी कर दी, बट हे व्हाट, वी गॉट इट इन द एंड. लास्ट टाइम नहीं होता भाई, मेहनत करते हैं, मजदूर लोग हैं हम लोग. मैं एक्चुअली टीवी में सिर्फ आधा घंटा देखता हूँ दिन में, जब मैं खाना खाता हूँ. बिसाइड्स दैट इज ऑलवेज आइदर कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ मैं. अपने टाइम स्लॉट्स रेडी है कि क्या कब प्रैक्टिस करना है, कब सीखना है, कब क्लासेस जाना है. सो आई फॉलो माई रूटीन सेट है. बट आई लव वॉचिंग सीरीज, आई नेवर बिंज वॉच. मैं ना इसलिए मुझे सिनेमा का शौक बहुत शौक है, क्योंकि सिनेमा में कहीं जा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई आई लव सिनेमास. बट अदर देन दैट मेहनत जारी है भाई. आजकल तो वन ऑफ बच्चन साहब. रिसेंटली आई रियली लुक अप टू आलियाज़ वर्क अ लॉट.
आई थिंक शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर. रिसेंटली ही बोलती हूँ अभी विक्की कौशल. विक्की कौशल मैं ये बोलना चाहूँगा, बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ, वी आर इन पीस. हम लोग कश्मीर में हैं, कुछ लोग घर पे इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग आज कोविड का भी ज़्यादातर जो रूल रेगुलेशन थे सब उठ गए हैं. अभी सिनेमाज भी खुल गए हैं, पार्क्स, क्लब्स, एवरीबडी इज आउटसाइड, एवरीबडी इज ट्रैवलिंग, टिकट्स इतने बढ़ गए हैं. एंड देन लुक एट द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज यूक्रेन एंड दे हैवंट डन एनीथिंग एंड देयर सफरिंग, बट देन देयर गुड हार्टेड पीपल. कल ही मैंने एक पोस्ट किया था जहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़का 2500 लोगों को लेकर आया था. Yeah, I saw that. Right, he got पाकिस्तानी लड़का इंडियन लोगों को लेकर आया था वापस. ओके, दुबई ने अपने यानी दरवाजे ओपन आर्म्स के साथ खोल गए कि भाई यूक्रेन से जितने भी लोग आना चाहते हैं आ जाए. सो यू नो वन साइड देयर इज वॉर बट देयर इज अ लॉट ऑफ पीस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लव. दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि द यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट टाइम एवर इन देयर होल लाइफ टाइम ऑल 27 कंट्रीज हैव कम टुगेदर साइंड अ पिटिशन टू ब्लॉक द वॉर एंड द फाइनेंस गोइंग टुवर्ड्स इट. दैट्स नेवर हैपेंड. आई नो ताह ने सब कुछ ही बोल दिया है. हम बस यही कहना चाहेंगे दैट प्लीज स्टॉप वॉर. इससे किसी का बिल्कुल भी भला नहीं होने वाला है. सो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है. सो खुश रहिए हमेशा और खुशियाँ फैलाइए और स्टॉप वॉर.